लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। इस बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा सीट में सरोज रांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहां अमित शाह ने चुनावी शंखनाद करते हुए एक चुनावी रैली की। इस बीच अमित शाह ने जमकर विरोधी दलों पर निशाना साधा। शाह ने नक्सलवाद और राम मंदिर को लेकर पार्टी पर खूब निशाना साधा है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही 85 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस इसमें भी जवानों का अपमान करने से पीछे नहीं हटी और इसे फेक एनकाउंटर बता दिया। शाह ने यह भी कहा कि इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आपने हमारी सरकार चुनी है और जल्द हम राज्य से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरबा लोकसभा में जनता से कहा कि छत्तीसगढ़ राम के ननिहाल में आज आया हूँ, ननिहाल वालों के सामने आकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं। शाह ने जनता से कहा कि पिछले बार आपने प्रधानमंत्री को 11 में से 9 सीट देकर जिताया था और फिर हमने इन्हीं 5 सालों में केस लड़ा और विशाल राम मंदिर बना दिया। 5 साल बाद रामलला को पन्नी में से निकाल कर मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी निमंत्रण भेजा था। सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे को कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन कोई भी कांग्रेसी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आया। अभी लोग किस मुंह से ननिहाल में वोट मांगने आएंगे और ना ही इन्हें वोट देने का कोई मतलब है। गृहमंत्री अमित शाह ने फिर से नक्सलवाद के अंत की बात छेड़ी और शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ नक्सलवाद के अंत को बढ़ावा देती है और यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। वहीं दूसरी ओर जब से प्रदेश में विष्णुदेव की सरकार सत्ता में आई है, नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में जो रणनीति नक्सलियों के खिलाफ बनी है, उसका असर दिखने लगा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक 95 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं।